कि क्या चीज आपको कंपेल करती है कि आप एक किताब खरीदें? अच्छा, मैं किताब खरीदने से पहले मैं रोजाना जो है ना ऑफिस जाता हूँ, तो मेरी जो है ना रोजाना 30 मिनट ट्रैवलिंग, 30 से 40 मिनट आने और जाने में ना ट्रैवलिंग में लग जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑडियो बुक लगा लेता हूँ, हर रोज़ कोई ना कोई एक या दो ऑडियो बुक लगी हुई होती है। तो ऑडियो बुक या ऑडियो बुक तो बहुत डिटेल होता है, या तो मैं ऑडियो समरी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पे जो है किताबों की समरी आ रही होती है, तो मैं रोज़ाना वो देख रहा होता हूँ। तो जब मैं बुक स्टोर जाता हूँ तो वो किताब मुझे अगर नज़र आ जाती है, मैंने शायद एक महीने पहले या तीन महीने पहले या एक साल पहले उसकी कहीं ना कहीं समरी सुनी थी, तो मैं वहाँ से मैं वो किताब पिक कर लेता हूँ। एक तो मेरा ये तरीक़ेकार ये है कि मैं ऑलरेडी प्लान होके जाता हूँ। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि मैं जो हूँ वो एक तो प्लानिंग हो गया कि मैंने किसी की रिकमेंडेशन, ठीक है, वीडियो रिकमेंडेशन या ऑडियो रिकमेंडेशन, हमने एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मैं बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन भी हूँ, बहुत सारे जो किताब पढ़ने वाले हैं उनको मैंने फेसबुक पर ऐड भी किया हुआ है, और बहुत सारे जो पे जो कि फिजिकल बुक क्लब है वहाँ पे भी जाता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं जो कि किताबें लेके आ रहे होते हैं, किताबों पे फीडबैक दे रहे होते हैं, किताबों को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि अच्छा यार ये किताब है और ये इस मौजू पे है और इसमें ये लाइन्स है, ये बहुत अच्छी है। तो ये दूसरा ये हो गया। तीसरा भी ये भी हो सकता है कि तीसरा ये हो गया, मैं रैंडमली किसी शॉप पर चला गया, ठीक है, जो कि अक्सर होता है कि हम रैंडमली शॉप पर चले जाते हैं, तो हमें जो है वो टाइटल तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता ही करता है, कि टाइटल जितना अच्छा होगा वो अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा। दूसरा, जब किताब आप पढ़ते हैं तो किताब के अंदर पीछे आप देखेंगे कि साइटेशंस हो रही होती है, कि एक बड़ा ऑथर आपकी किताब को साइट कर रहा होता है। रेफर्स करें, मैं एक किताब पढ़ा था द ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट, तो उसमें मैकिंटोश स्मिथ की जो है वो साइटेशंस थी। मैंने कहा अच्छा, मैकिंटोश स्मिथ खुद इतना बड़ा ऑथर है वो साइट कर रहा है। रेफर्स करें, स्टीवन हॉकिन साइट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के हत्ता के ये जो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब की साइटेशंस कई सारी किताबों के पीछे फ्रंट पे या बैक पे मौजूद है, जो कि किताब की सेलिंग से इनकी सेल बढ़ जाती है। फर्ज के किसी की साइटेशन लिखा हुआ हो कि भाई इमरान खान साहब ने इस किताब को फीडबैक दिया, तो किताब की सेल और बढ़ जाती है, तो साइटेशन से भी फ़र्क पड़ता है। बाकी ये कि कभी कभार साइटेशन से भी फ़र्क ना पड़ता हो तो टाइटल इतना अच्छा होता है कि जब फर्ज करें मेरे पास जो है वो यहाँ पे एक किताब है, मैं यहाँ पे किताब लेके आया था, फाइव पीपल यू मीट इन दी हेवन, मिश एल्बम है। अच्छा, मिश एल्बम जो है वो आपको पता है कि वो कितना मशहूर ऑथर है, उसकी जो है वो एक किताब थी कि ट्यूजडे विद मॉरिस। अच्छा, वो ट्यूजडे विद मॉरिस जो है वो आपने तो पढ़ ली, जब आपने ट्यूजडे विद मॉरिस पढ़ ली तो आपको पता चल गया कि भाई मिश एल्बम तो बहुत अच्छा लिखता है, उसका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मिश एल्बम की जितनी भी और भी किताबें होगी वो भी अच्छी होगी। तो मैंने तो ट्यूजडे विद मॉरिस पढ़ी थी, मैंने तो ये पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये किताब पढ़ उठा ली, और वाकई में मेरा बहुत अच्छा फैसला था कि वाकई में मुझे, क्योंकि एक ऑथर का पढ़ने का तरीक़ेकार मुझे मज़ा आ गया यार इसका, जैसे कि हम डैन कार्नेगी को पढ़ते हैं, तो डैन कार्नेगी की अगर आपने एक भी किताब पढ़ ली तो आपको मज़ा आएगा, उसकी सारी किताबों में मज़ा आएगा, ठीक है।